हे एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी बॉडी ऑर्डर के बारे में, क्योंकि गर्मियों का मौसम आ रहा है और गर्मियों के मौसम में आम तौर पर ज़्यादातर लोगों को बहुत ज़्यादा पसीना आने की और पसीने में से बहुत ज़्यादा बदबू आने की प्रॉब्लम होती है। तो अंडर आर्म से आने वाली दुर्गंध किसी अच्छी लगती है और ये हमें और भी ज़्यादा परेशान कर देती है जब हम बहुत सारे लोगों के बीच में होते हैं। तो अगर आपको भी ऐसी कोई परेशानी है और आप इसका परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर। तो इसके लिए आप फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हो, ये एक बहुत ही आसान सा घरेलू उपाय है जो बड़ी ही आसानी से आपको आपकी किचन में मिल जाएगा। तो फिटकरी, जिसे कि हम एलम कहते हैं, यह एंटीबायोटिक, एंटी एजिंग, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है और क्योंकि यह एंटीबैक्टीरियल होता है इसीलिए हम इसे हमारी बॉडी में से आने वाली दुर्गंध को दूर करने के लिए इसे हम यूज़ करते हैं। एलम पर होने वाली रिसर्च से इस बात को वेरीफाई किया गया है कि एलम में एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं और इसी गुण के कारण बॉडी में से आने वाली जो दुर्गंध है उसको पैदा करने वाले जो बैक्टीरियाज होते हैं उसको जो फिटकरी है वो पूरी तरह से नष्ट कर देती है। और यही वजह है कि कई डिओडोरेंट बनाने वाली कंपनीज जो हैं वो अपने प्रोडक्ट में इसे ऐड करते हैं। कुछ लोगों के शरीर से पसीने की बदबू काफ़ी ज़्यादा आती है और यह हमारे शरीर से निकलने वाले पसीने की वजह से नहीं बल्कि हमारी त्वचा पर मौजूद बैक्टीरिया की वजह से होती है, क्योंकि जब बैक्टीरिया हमारे पसीने के संपर्क में आते हैं तो वह बदबू पैदा करते हैं। तो अगर आपके पसीने में से भी बहुत ज़्यादा बदबू आती है तो आप फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसके लिए बस आपने इतना करना है, आपने फिटकरी लेनी है, उसको थोड़ा सा गीला कर लेना है और इसको बहुत ही हल्के हाथों से आपने अपने अंडर आर्म्स पर इस तरह से रब करना है। तो इसे आप अपने वॉशरूम में भी रख सकते हो और नहाने के बाद आप इसको यूज़ कर सकते हो। और यह सिर्फ 2 या 4 घंटे के लिए नहीं बल्कि 24 आवर्स तक अपना काम करती है और इसका किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है और इसे बच्चे से लेकर बड़े तक सब इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपके अंडर आर्म्स के नीचे कालापन है, तो आपको करना बस इतना है कि आपने फिटकरी का पाउडर लेना है और आंवले का पाउडर लेना है, इन दोनों को आप मिला लें और बहुत ही हल्के हाथों से आप इसको अपने अंडर आर्म्स पर आप इसको रब करें और ये आपने हर रोज़ थोड़े थोड़े समय के लिए करना है। और इसके अलावा जो फिटकरी है वो एंटी एजिंग का भी काम करती है और इसके लिए आपने करना ये है कि आपने इसे पानी में भिगो लेना है और चेहरे पर धीरे धीरे से मलना है। इससे होगा ये कि इससे एक तो जो फेस पर रिंकल्स आ जाते हैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है और इसके अलावा जो एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है उसमें भी ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। और क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं इसीलिए अगर किसी के दांतों में प्रॉब्लम है, दांतों से खून आ रहा है या दांतों से बहुत ज़्यादा बदबू आती है तो हम फिटकरी का इस्तेमाल माउथ वॉश के रूप में भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको इस प्रॉब्लम का सलूशन तो बता दिया है लेकिन आपके लिए ये भी जानना ज़रूरी है कि ये होता क्यों है। तो इसके लिए आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं तो हमारी बॉडी में से बहुत ज़्यादा पसीना आता है और ये सब होता है हमारे हॉर्मोन्स की वजह से। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आप स्ट्रेस में ना रहो, इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो। तो दूसरी प्रॉब्लम है डिहाइड्रेशन की। पानी की कमी की वजह से हमें डिहाइड्रेशन हो जाता है और पानी जो है वो हमारे शरीर को हाइड्रेट रखता है, बॉडी को हेल्दी रखता है, मॉइस्चराइज रखता है। यह एक लंबे समय के लिए हमारे शरीर में बदबू को दूर रखने में हमारी मदद करता है। तो इसीलिए गर्मियों में कम से कम 7 से 8 ग्लास तक हमें पानी पीना चाहिए। तो तीसरा रीज़न है हम किस तरह का खाना ले रहे हैं। अगर हमें इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए। अगर हम बहुत ज़्यादा मसाले वाला खाना खा रहे हैं, हम जंक फूड्स खा रहे हैं, अगर हम प्याज और लहसुन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वैसे प्याज और लहसुन हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन अगर आप पानी नहीं पी रहे हो बहुत ज़्यादा और इन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हो तो ये चीज़ें आपकी बॉडी पर जो छोटे छोटे होल्स होते हैं उसके ज़रिए बाहर निकलती हैं और एक गंध पैदा करती हैं और ये स्मेल जो होती है वो 48 आवर्स तक आपकी बॉडी में रहती है।
तो इसके लिए आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करिए, जंक फूड का इस्तेमाल आप बिल्कुल भी मत करिए, मसाले जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ मसालों का इस्तेमाल आप ना करिए, और दूसरी तरफ आप ताज़े फल सब्जियाँ का इस्तेमाल करिए, ये आपके शरीर को ताज़ा भी रखती हैं और आपके शरीर को एक बहुत ही अच्छी महक भी आपको देती हैं। तो अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखोगे तो जो बॉडी ऑर्डर की प्रॉब्लम है वो आपको नहीं होगी, और अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप उसके लिए आप फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हो। और इसके साथ ही अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप किसी भी तरह का सवाल मुझसे पूछना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिखकर मुझसे पूछ सकते हो।